सटिए ना जे करियारे दे नाम दी मिले सोली हो झूठा ले लिए पिसा हटिए ना ना प्याला बाबे ने जो ताना सुनया इश्क होर जज्बे विच आया है आसमान वल नजर करके आंदा रब्बा तू ते अंदर ते छुपे राज भी जानना है अमर बिन जमूह दे दिल ते कदी नहीं आया कि मैं तेरे यार नु छोड़ जावा मेरे दिल ते कदी नहीं आया मैं तेरे महबूब नु छोड़ के चला जावा मेरी बीवी ने ताना मारे आए आज मैं एक दुआ करना मेरी दुआ कबूल करी बाकी भावे सारे जिंदा मुड़ के आ जावन या अल्लाह मेरी लाश भी मदीने नहीं आनी चाहिए मेरी बीवी नु पता चले असा जिंदगियां ते माले गनीमत ते भुखे नहीं असा हबीबे खुदा ते दीन दे तलबगार उच बोलो मुस्तफा करीम ने बोला जिस वक्त जनाबे आला दुआ की थी चले गए लड़ते लड़ते शहीद हो गए जदो आप दी लाश नो जंग तो बाद उठा के सवारी से रखे और सवारी जिस वेले उठाने ने सज्जे जावे खब्बे जावे हर पासे जावे जदो मदीने वल मुंह कर देने फिर बह जावे सारे सरकार दे ग्यारद करना का है की माजरा है ते मेरे लजपाल नबी गैब दान नबी ने फरमाया इन्हें घरों निकल दे कोई दुआ ते नहीं सी मंगी ते पुत्र कहंदे ने हुजूर ए दुआ मंगी सी आका फरमांदे ने फिर दी दुआ कबूल हो गई मुस्तफा करीम ने गुलामो कदी ते साडे बुड्ढे बाबे जाना नालो ज्यादा मोहम्मद अरबी दे इस्लाम दी गल करदे सन अज बाबा बुड्ढा हो जाए आको बाबा नमाज पढ़ कहंदे पुत्र हाली बड़ा टाइम पे आए आको बाबा हज कर ले आखे अज पोतरे दी शादी होनी है जरा कर लवा पोतरियां भी हा लवा ते फिर हज कर लवा ऐ करदा करदा जोड़दा जोड़दा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर हत्ता के हो मौका आंदा है अल्लाह दा घर देखण दी बजाए कबरां वेखदा है जाके लेकिन नु अल्लाह दा घर देखना नसीब नहीं होंदा मैं हाथ जोड़ के कहना चाहना बाबे हो अज इस बज़्म विच नियत करके जाओ ऐ मेरे मौला जो पिछलियां होईयां उन्हां दियां माफियां दे दे अज तू बाद मेरे चिट्टे वाल भी तेरे नबी दे दीन वास्ते मेरा कंबदा बदन भी तेरे नबी दे दीन वास्ते मेरी बुढ़िया हड्डिया भी तेरे नबी दे दीन वास्ते मेरा धड़कदा दिल भी तेरे नबी दे दीन वास्ते क्योंकि क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारा सारे मिलके पढ़ो क्या पेश करो हाथ खड़ा करके मैनू भी पता लगे तू साडे अंदर भी थोड़ी जान बाकी है क्या पेश कर क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारा नारायण तकबीर हाराए रिसाल हाराए हैदरी नाराए हैदरी हजरत अलामा मौलाना फरूकुल हसन कादरी साहेब मुस्तफा करीम ने बोला मुबाबे ते में दे आओ एक गल जवान दी भी कर ली
ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੇ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ, ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਨਾਬ ਆਲਾ, ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤਸ਼ਾਦੋ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਆਖੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਲ ਆਖਰ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉੱਚ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਜਨਾਬ ਆਲਾ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਕਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਵੋ ਵੀ ਤੋ ਦੀਨ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਹੱਕ ਕਿਆ ਹੈ ਬਾਤਿਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਮੁਤਲਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣ ਆਈਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਰਜੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸਬੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਇਲ, ਸਿੰਪਲ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਲਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਲਾਇਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਲਾਇਲ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਜਾਏ ਮੌਲਾਨਾ ਵੋ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਇਸਕੀ ਦਲੀਲ ਦੋ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੱਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਬਰੇ ਵਾਹਿਦ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਬਰੇ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਮੇ ਵੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ ਆਖਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਲ ਜਬਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਿਫ ਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੁਬਾਹਸੇ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਆ ਲੰਮਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਨਾਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਨੂੰ ਆ ਲੰਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਸਾਦ ਨੂੰ ਆ ਲਾ ਮੱਸਾ ਪੜ੍ਹੇ,
उस कौम के बारे तुसा ए नजरिया रखो कि ए मुनाजरे करे ते इंदर नाल दीन दा भला होवेगा, भला होवेगा कि अपने ईमान दा बेड़ा रोड़ देगा। इस वास्ते मेहरबानी करो, तुहाडा कम है कि बातिल दी आवाज सुनन तो अपने कन बंद कर दे। तुहाडा कन ओही सुने जो महबूब खुदा दी शान है, ते उन्हां दी जुबानी सुने जिन्हां दी जुबान ते इतबार होए कि ए हुजूर दी शान च डंडी नहीं मारनगे। उन्हां दी जुबान सुनना चाहिए कि नहीं? इस वास्ते हर बंदे इस्लाम दा नाम लैण वाले हर बंदे दे पिछे टुरोगे तो नतीजा यही निकलेगा। मैं खुद जनाब ओ एक इंटरव्यू सुन रहा सिख दा, उन्हें कहा जी मैंने इस्लामिक स्टडी के अंदर एमए किया है यूरोप के अंदर, और मैंने खुद पढ़ा है कि हुजूर ने जितनी जंगें की हैं वो दिफाई जंगें की हैं, कोई इकदामी जंगें नहीं की। हालांकि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गज़वा तबूक खालिसतन इकदामी। ऊंचा बोलो, बदर के अंदर मदीना तो निकल के जनाब आला 80 मील दूर जाना है, एकदम नहीं तो और क्या है? ऊंचा बोलो, फतेह मक्का एकदम है कि नहीं? ऊंचा बोलो, जिस कौम नू एकदम और दिफा की तारीफ ना आंदी होवे वो गल्लां करे फिर ऐ गल्लां जेब नहीं देंदी। इस वास्ते मेहरबानी करो, अपने भी हालत रहम करो तो कुछ मौलवियों के हालत भी रहम करो, ठीक है ना जी? हाँ, उलमाए किराम की जिम्मेदारी है को अकले सलीम का मालिक आके सवाल करे, को थोड़ा बहुत सवाल नू समझण वाला होवे उन्दे मसाइल जरूर हल करो, उन्हें समझाओ ताकि वह अपना भी ईमान बचाए तो दूजे का भी बचाए। पूछ बोलो, गल हो रही थी हजरत हबीब बिन जैद अंसारी दी, उन्हें कहा हाँ भाई मेरे बारे की ख्याल है? कहते ने उच्चा बोल, मैं आवाज नहीं आई। हौली हौली बोलते पे हो, उची बोल, आवाज नहीं आई। जिस वेले जनाबे आला तीन वारी आपने जुमला बोलिया, उन्हें क्या तेनू अपने नबी की गल बड़ी समझ आती है? मेरी बारी कहना है, उची बोल, आवाज नहीं आई। कहने ईमान आले दे कन ने ए मुनकर खत्मे नबूवत की गल सुनी नहीं सकते। उन्हें गुस्से में आके जनाबे आला इंज आप की उंगली कटी है, फिर हाथ कटे आए, फिर बाजू कटे आए, इवें जनाब बदन के टुकड़े टुकड़े किए ने, चेहरे से मुस्कुराहट। इत्थे ते हाथ कड़ी नहीं लगती, चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है 780 दा नाम सुन के। इत्थे लोग घरों नहीं निकलने, बड़े बड़े जनाब पीर गद्दियां गद्दी नशीन अपनी गद्दियां बचा जाते, मदरसे वाले मदरसे बचा जाते, मसीतां वाले अपनी खिताबत ते इमामत बचा जाते, लेकिन जनाब 780 दी इस मनहूस सिख का मुकाबला करना कोई गवारा नहीं करता। आहो मैं दसा, लख FIR कठिया हो, हजरत हबीब उंगलियां कट गई, बाजू कट गया, हाथ कट गए, पैर कट गए, जिस वेले पदम दे पुरजे पुरजे हो गए, आखिरी तलवार वजी है, जिस वेले होश चैसन कमर दे उते आप मुस्कुराए ने, उन्हें कहा मैं तेनू गिड़गिड़ा के मर्दा देखना चाहना, मुस्कुरा के मर्दा नहीं देखना चाहना। आपने फरमाया असा तेरे अगे गिड़गिड़ा मना ले नहीं, असा मौला गिल तजावा करन वाले। असा बड़े खुश हो, ने क्या खुश केड़ी चीज ते? कहना खुश इस गल ते, पहले गर्दन ते तलवार नहीं चली कि मैं जल्दी चुप नहीं होया। चलो जितनी देर तक बदन टुकींदा रहा है उतनी देर तक जुबान हबीबे खुदा दे नारे मार दी रही के करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा। कुछ बोलो, आज जिम्मेदारी सी मां प्यो दी, अपनी औलाद रू इशा पढ़ के रोजाना ताजदारे खत्मे नबूवत दी कोई गल सुना,
अज बच्चों के सीने विच वसवसे ना आंदे मां प्यो की जिम्मेदारी सी अपने बच्चों नूं रोजाना ईशा दी नमाज पढ़ के कोई गल हुसैन पाक दी सुणांदे बच्चों के सीने विच बुजदिली ना आउंदी अज मावां दी जिम्मेदारी सी अपनी धीआं नूं सैयदा ज़ैनब दे पर्दे दी कोई गल सुणांदियां ताकि धीआं दे अंदर जनाब दुनिया दी दौलत ते दुनिया दी अयाशी ते बदमाशी दी हवस ना होंदी कोई गल बीबी फातिमा ज़हरा पाक दी सुना दिया ते जनाब बेटिया एक मोबाइल पीछे इज्जत ना वेच दिया जनाब चंद टकिया दे लोड पीछे आबरू दे सौदे ना आंदे मां प्यो दियां दहलीज़ां पार ना आंदियां जे धीआं नूं बीबी फातिमा दे हया दे किस्से सुनाए जांदे आओ तुहानू लैके चलीए जिस वेले मावां दियां तरबीयतां ऐसियां जिस वेले बाप दी तरबीयत दीन वाली फिर बेटियां कैसियां जनाब आला आओ जनाब नबियां दे सरदार दी बेटी दी गल करां हुसैन पाक दी अम्मा जान दी गल करां जनाब आला ओ सैयदा पाक दे दरवाजे ते जदों सवाल ही आया मेरे करीम आका दो आलम दे दरवाजे ते सवाल ही पहले आया फरमाया जाओ अली दे दरवाजे ते दस्तक दे ओए शायद कुछ होए इस वेले दस्तक होई अल्लाह दे नाम ते कुछ दे ओ ते बीबी पाक फरमांदियां कनीज नू कौन आया आख्या बीबी पाक कोई सवाल ही आया है फरमा जा देख घर की है कुछ नहीं देन वास्ते आपने फरमाया फिर लब की है दूसरी बारी भी आख्या कुछ नहीं जदो तीसरी बारी पूछे जन्नत दी सरदार जन्नत दी औरतां दी सरदार ने ते कनीज ने जवाब दिता कुछ कोई नहीं ते आपने जनाब आला ओ अपनी मुकद्दस चादर अपनी कनीज दे पल्लू च बन के फरमाया जा फलाने यहूदी कोल ए बेच के ओनू कहे दे बदले वे थोड़े जौ दे दे मुहम्मद अरबी दे घराने तू कोई खाली नहीं जाना चाहिदा जरा गौर करो जिस वेले पहुंची है कनीज यहूदी दे दरवाजे दे उते कहंदी है मैनू भेजिया है साडे नबी रहमत दी बेटी ने मैं हुसैन दी अम्मा जान दी कनीज इस वास्ते आईया के दरवाजे दे उते सवाल सवाली खड़ा है अक्या फिर मैं की करा अक्या सवाली खड़ा है दराज दे घर वेच शायद कोई नहीं देर वास्ते उन्हें अक्या एक ही अपने आंचल वेच बन के ले आई अक्या ये बीबी पाक दी चादर है सैयदा फरमाया ए रख ले लेकिन सवाली वास्ते कुछ जाओ ते आटा दे दे ताकि साडे दरवाजे तू कोई खाली ना मुड़े अजे नजर नजर नहीं पई उस चादर ते कपड़े विच बन्ने हुई ओ चादर इतनी गल सुनन दी देर के सवाली वास्ते मुहम्मद अरबी दी बेटी दी चादर आई यहूदी कहंदा ला इला इल्लल्लाह ओ मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या कहने उस घराने दे जेड़े इतने सखी इतने लजपाल जाओ सारा घर भी ले जाओ मेरा मेरी दुकान भी ले जाओ ते आखो मैं भी हजूर दा मेरा घराना भी हजूर मुस्तफा करीम ने गुलाम हो एवें ते नहीं बरेली वाला बाबा फरमा गया कि तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा सब घराना तू है ऐने नूर तेरा सब घराना आज जरूरत है बेटियां नूर
ए वाकयात सुनावण दी ताके कोई बेटी अपने ससुराल तू इस वास्ते लड़के ना निकले के 2 साल दा पुराना फ्रिज पे आए। साडा फ्रिज नहीं बदलिया, साडा टीवी नहीं बदलिया, साडी फलां शै नहीं बदली, ताके बेटी नू पता लगे असा ओ सैयद पाक ते मनण वाले जिन्हां अपने घर दे फाके देख के भी शिकवा नहीं कीता, बल्कि चक्की चला के भी मौला दा शुक्रिया अदा कीता। उच्च बोलो, अज जरूरत सी बेटियां नू गल सुनावण दी, अज जरूरत सी, लेकिन न प्यो कुल टैम है, न मां कुल टैम है, न भैणा कुल टैम है छोटे भाई नू सिखावण वास्ते, न वड्डे भाई कुल छोटियां भैणा वास्ते टैम है। मुसलमानो सोचो ते सही, कदी चुल्ले ते कठे हो जांदे सा, चलो रोटी खाने आ एक दूजे दा हाल पुछया जांदा सी, ए ऐसी लानत आई मोबाइल वाली, इन्हें जनाबे आला रोटी वेले भी एक दूजे नू कठा ना बैण दिता, हर कोई कहंदा मेरी रोटी कमरे वे दे जाओ, बिस्तर दे जाओ, अब्बे दे अगे बैठ के भी अब्बे नाल गल कोई नहीं, मां अगे बैठ के भी मां नाल गल कोई नहीं, जरा गौर ते करदे जाओ, ओ सारी रात नेट च